राजस्थान के सियासी संग्राम में कानूनी दावा पेच में फंसे संकट के बीच हाई कोर्ट ने सचिन पायलट गुट को नोटिस याचिका में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इसे पायलट गुट के लिए एक बड़ी राहत भी माना जा रहा है। वहीं हाई कोर्ट ने पायलट गुट की ओर से इस मामले में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने के लिए दी गई अर्जी को भी स्वीकार कर लिया। इसमें अब केंद्र सरकार का पक्ष भी सुना जाएगा। हाई कोर्ट ने पायलट गुट की नोटिस याचिका पर यथास्थिति के आदेश दिए। यथास्थिति आदेश के बाद अब कोई भी पक्ष कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगा। हाई कोर्ट ने स्पीकर के नोटिस को स्टे कर दिया। हाई कोर्ट ने माना याचिका की मोनिटेबल है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहेगी। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के वकील प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि हाई कोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर स्टे कर दिया। इससे पहले हाई कोर्ट ने बुधवार को पायलट गुट की ओर से ये नोटिस याचिका में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने के लिए दायर की गई अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट ने पायलट गुट की अर्जी को स्वीकार कर दिया। इससे अब केंद्र सरकार भी इस याचिका में पक्षकार बन गई है। अब इस मामले में जवाब देने के लिए केंद्र सरकार के वकील हाई कोर्ट से समय मांग सकते हैं। कोर्ट उनको भी सुनेगा। उल्लेखनीय है कि नोटिस याचिका में हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले ही विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी थी। उसके बाद उस पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने विधानसभा अध्यक्ष जोशी के राजस्थान हाई कोर्ट की कार्रवाई को रोकने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। अब इस मामले को सोमवार को फिर सुनवाई होगी। वहीं जोशी की इस याचिका पर पायलट खेमे में भी सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल कर कहा है कि बिना उनका पक्ष सुने कोई फैसला न किया जाए। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।